नमस्कार भोपाल, मैं हूं आशीष सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के खास खबरों की। मुंगावली में उपचुनाव कल, सागर विधायक आचार संहिता के उल्लंघन में पकड़े गए। मुंगावाले में पकड़ी मंत्री की कार, कांग्रेसी बोले नोटों का भरा देख लेकर भागा उनका सहायक। राज्यपाल पहुंची आरजीपी में, छात्रवृत्ति वितरण समारोह में बोली आज भी विदेशों की ओर देख रहे हैं हम। श्रमिका कर्मचारियों का अनोखा आंदोलन, उन्हें जलाए कुटिया सेकने के साथ ही की नारेबाजी। बैरागढ़ में बीआरटीएस की एक बस ने दोपहिया वाहन को खींचा, दो किशोरों की दर्दनाक मौत। अब खबर विस्तार से। अशोकनगर जिले के मुंगावली में हो रहे उपचुनाव में प्रचार गुरुवार शाम 5 बजे से थम गया है। सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दल बल के साथ चुनावी रण में जुटे रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 दिन में 12 रोड शो, 13 सभाएं की। उन्होंने मुंगावली में 3 और कोलारस में 4 रात गुजारी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्र में 13 जमाए रखा। उन्होंने 10 दिन में 75 सभाएं और 20 रोड शो किए। नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान दोनों विधानसभा क्षेत्रों के कोने कोने को छूने का प्रयास किया। मुंगावली में जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नए विवाद खड़े हो रहे हैं। शुक्रवार को यहां सागर विधायक शैलेन जैन को मुंगावली में पकड़ा गया। पहले पुलिस उन्हें मामूली पूछताछ के बाद छोड़ दी थी। हालांकि बाद में जब कांग्रेस ने इसके लिए दबाव बनाया तो उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। एक दिन पहले रात में भी सागर विधायक मुंगावली में देखे गए थे। सुबह भी लोगों ने उन्हें मंदिर जाते हुए देखा और देवेंद्र भाई के घर के बाहर खड़े हुए भी देखा। इसके बाद वे मुंगावली से निकल रहे थे, हालांकि उन्हें रास्ते में पकड़ लिया गया। कब से आए हैं यहाँ? कब पहुँचे आप? कब पहुँचे मुंगावली? अशोकनगर में मुंगावली में हो रहे उपचुनाव में अंतिम दिनों में गर्माहट एकदम बढ़ गई है। प्रदेश के मुंगावली और कोलारस में हो रहे उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहां गुरुवार रात कोलारस में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, वहीं ऐसे ही कुछ स्थिति अशोकनगर जिले के मुंगावली में भी बनी। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंध के बावजूद मुंगावली IPWD मंत्री की कार को पकड़ा तो यहां भी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री की सुरक्षा में तैनात एक कर्मचारी कार में लाखों रुपए लेकर जा रहा था। जब कार्यकर्ताओं ने इस कार को पकड़ा तो कार में रखा एक बैग लेकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। मुंगावली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जयस्तंभ चौराहे पर रखी एक इनोवा गाड़ी पकड़ी थी, जिसे बाद में पुलिस ने उठाकर थाने में लगवा दिया। गाड़ी PWD मंत्री रामपाल सिंह की सुरक्षा में रहने वाले विक्रम सिंह रघुवंशी बैठे हुए थे। गाड़ी पकड़ने के दौरान भाजपा व कांग्रेस दोनों पक्षों के बीच करीब 1 घंटे का हंगामा भी चलता रहा। आरजीपी में कुलाधिपति छात्रवृत्ति वितरण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जबकि नई खोज और आविष्कार की बात आती है तब हम विदेशों की ओर देखते हैं। हमारे यहाँ जो हुआ हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते। प्रौद्योगिकी पढ़ने वाले विद्यार्थियों और पढ़ाने वाले शिक्षकों को ये जान लेना चाहिए कि हजारों वर्ष पहले हमारे देश में माइक्रो सर्जरी हुई थी, जिसका उदाहरण भगवान गणेश है। हेलीकॉप्टर की खोज की बात आती है तो हम विदेश की ओर देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सीतारायण की कहानी प्रचलित है, जिसमें रावण उड़न खटोला के जरिए सीता जी का अपहरण कर ले गया था। इसके बाद भगवान राम लंका विजय पर उसी उड़न खटोले से वापस आते हैं, जिसे हम पुष्पक विमान के नाम से जानते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि आप में से कितने लोग रामायण और महाभारत पढ़ते हैं। उन्होंने इन ग्रंथों को पढ़ने की सलाह दी। राज्यपाल ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि स्कॉलरशिप लेने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। बोर्ड परीक्षा के परिणाम आते हैं, वहां भी बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ने का काम कर लिया है। मेरिट लिस्ट में बहुमुश्किल 2-3 लड़के ही स्थान बना पाते हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं पर इनकी संख्या भी कम हो रही है।
बेटे लगातार पीछे क्यों होते जा रहे हैं, इस विषय पर भी शोध होने की जरूरत है। विश्वविद्यालय को इस सामाजिक बदलाव पर शोध करना चाहिए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल का अब असर नजर आने लगा। इसके चलते जहां कई जिलों में कुछ जगह पोषण आहार मिलना बंद हो गया है, इसी क्रम में शुक्रवार को कर्मचारियों ने भोपाल के 1250 अस्पताल परिसर में अपनी मांगों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। यहां विरोध प्रदर्शन करने आई महिला कर्मचारियों ने पहले तो पेड़ों की मदद से यहां विरोध के बैनर बांधे, इसके बाद में नीचे चूल्हा जलाकर उस पर रोटियां सेकी। रोटियां बनाने के दौरान भी ये महिला कर्मचारी नारे लगा रही थी। वहीं पिछले दिनों रायसेन सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी विरोध के प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके तहत विभिन्न मांगों और अप्रोजल के विरोध में गुरुवार को मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर शहर सहित जिले के लगभग 500 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जिले भर में नियमित कर्मचारियों में से 3 गुना संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की है। हड़ताल की वजह से जिला अस्पताल सहित जिले भर के सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई है। बैरागढ़ से हलालपुरा जा रहे 2 किशोरों को BRTS की एक बस ने रोक दिया। टीवीएस शोरूम के सामने हुई इस घटना में 17 साल के दिनेश पिता गोविंद दुलानी और वैभव पिता राकेश कालरा की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह थाना बैरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत सत्य जी की कुटिया से थोड़ा आगे एक्टिवा पर 2 किशोर कॉरिडोर के अंदर से जा रहे थे, तभी करीब 9:30 बजे लालघाटी से बैरागढ़ की तरफ जा रही बस क्रमांक MP04PA1912 ने नई एक्टिवा कार पे सवार बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे बाबू उर्फ दिनेश दुलानी और विभव काला गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें तत्काल डायलैंडेड की मदद से हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई। दिनेश के पिता चाय की दुकान चलाते हैं और विभव के पिता गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में प्राइवेट नौकरी करते हैं। पुलिस ने क्षतिग्रस्त स्कूटी और बस को जब्त कर लिया है, जो अभी थाना बैरागढ़ में खड़ी हुई है। रायसेन जिले के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर छिन्न धाम में के आसपास बनी करीब 5 दुकानों पर अचानक आग लग गई। इससे 5 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। आग जलने से दुकानदारों को लगभग 5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बरेली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। दुकानों में लगी आग से प्रसाद सामग्री सहित अन्य सामान जल गया। हादसे को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। आगजनी में सुरेंद्र शर्मा, काशीराम धाकड़, इंदर सिंह, सुनील विश्वकर्मा, हरिशरण विश्वकर्मा की दुकानें जली है। मंदिर के पास भी इस आगजनी की घटना में लोगों की तरह तरह की चर्चाएं हैं। उल्लेखनीय है कि छिन्न धाम हनुमान मंदिर की ख्याति पूरे प्रदेश में है। यहां हर मंगलवार और शनिवार को हजारों श्रद्धालु प्रदेश सहित आसपास के जिलों से आते हैं। क्या नाम है आपका? इंदर सिंह धाकड़। क्या हो गया था अभी छिन्न मंदिर के पास आप लोगों की दुकानें लगी थी? जी सर, अब रोज की तरह अब बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था। सुबह सुबह पता लगा पंडित जी जाते छीन मोड़ वाले दुकान पे हर दिन पूजा करने, तो उन्होंने देखा, उनके माध्यम से पता चला, उनके पास जिनके नंबर थे उन्होंने फ़ोन करके जानकारी दी कि यार तुम्हारी दुकानें जल चुकी, किसी ने कैसे आग लग गई, क्या हो गया। जब हम लोगों को पता चला तो हम वहाँ पहुँचे। तो कैसे लगी होंगी आग? कितनी दुकानें जली हुई हैं? 5 दुकानें जली हैं, ऐसी इस तरीके से जली हैं, कुछ बचा ही नहीं है। टप खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे, इतनी नहीं। तो ये मतलब क्या, किस वजह से लगी है या किसी ने लगाई है? क्या वजह? अब क्या कह सकते हैं, लाइट जलाते नहीं हम लोग, लाइट जलाते शॉर्ट सर्किट हो सकता था। ऐसा कोई दिया बत्ती वहाँ 12 बजे रात तक क्या जलेगा बताओ? तो क्या आपकी दुकानों से किसी को परेशानी होती थी? अब ये तो अपन क्या कहना है, अभी तक तो 20 साल से दुकान लगा रहे हैं, अभी तक तो किसी को कोई प्रकार की हमें समस्या नहीं आई, कोई दुश्मनी या कोई कुछ मन में किसी के हो तो नहीं सकते अपन। सर, छिन्न मंदिर में 5 दुकानें जलने का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? अभी 4-5 दुकानदार थाने पर सूचना देने आए थे, छिन्न धाम मंदिर के साइड में जो टप लगे हैं, जहाँ प्रसादी नारियल वगैरह बेचते हैं, उनकी दुकानें किसी अज्ञात कारण से जल गई है। पुलिस पार्टी मौके पर गई है, मौके की जांच कर जानकारी कर रहे हैं, आग कैसे लगी और कितना नुकसान हुआ है, मामला जांच में लिया। बैरागढ़ के हिस्ट्री सीटर बेबू सिंधी का शव आज से 6 दिन पहले विदिशा के पास मिला था। अज्ञात शव होने के कारण विदिशा पुलिस ने उसे दफना दिया था। अब इसके शिनाख्त बैरागढ़ निवासी बेबू सिंधी के रूप में हुई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि बेबू हिस्ट्री सीटर था। शव को पुलिस ने कब्र से निकलवाकर परिजनों को सौंप दिया है। कोतवाली TI जितेंद्र सिंह यादव ने बताया, इकोदिया में बेतवा नदी पर 17 फरवरी को करीब 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। अज्ञात शव होने के कारण पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराकर उसे दफना दिया था। मृतक के हाथ पर भगवान दास सिंधी लिखा हुआ था।
इसलिए पुलिस ने इसके फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजे और खासकर सिंधी होने के नाते बेरागढ़ भेजा तो उसकी पहचान बेबू सिद्धी के रूप में हुई है। इस शिनाख्त में एक ड्राइवर सीताराम परिहार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिनाख्त होने पर पुलिस ने बेबू के परिजनों से संपर्क किया और उसकी भाभी भतीजी और बहन शुक्रवार को भी दिशा आई। साल में एक आध बार कभी आ जाता था, वो भी एक आध घंटे के लिए आता था, 5 मिनट बाहर से पूछताछ के चला आता था। मतलब ऐसे कोई उसकी शादी नहीं हुई थी, वो अकेला ही था, कभी कहाँ रहता था कभी कहाँ रहता था। हाँ लेकिन कभी कभी आता था तो हमको लगता था भाई है ये, तो हमें कल रात को ही पता चला है। 10 बजे हम आए। लास्ट टाइम घर कब पहुँचे थे? लास्ट टाइम वो अभी 2 महीने पहले आया था, लेकिन हम लोग नहीं थे, बाहर गए हुए थे, ताला लगा था, पड़ोस वाले ने बताया। क्या लगता है कोई रंजिश ही आता है? मुझे तो रंजिश ही लग रही है, उसकी जो हाल दिख रहे हैं उससे तो उसको बहुत मारा गया है, पुलिस को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। जी क्या मामला हुआ है आज ये जो लाश निकाली गई? एकोदिया गांव के पास नदी है, बेतवा नदी, उसके किनारे पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी हत्या होने के लक्षण वो पाए जाने पर उसका PM कराया गया था। चूंकि व्यक्ति अज्ञात था तो इसकी पोस्टर छपवा के, इसके व्हाट्सएप पर मैसेज करके और इसके नाम, हाथ पे जो नाम खुदा था भगवान दास सिंधी, इसके आधार पर बैरागढ़ थाने से जब पता किया गया तो ये व्यक्ति वहाँ का रहने वाले मिले। इनके परिजनों का जब पता चला तो कल उनको खबर की गई, तो इस अज्ञात व्यक्ति के परिजन आए हैं जिनके सामने शव को खुदवा कर उनको कफन दफन हेतु सुपुर्द किया गया है और इस व्यक्ति की हत्या के संबंध में हथियारों का पता साझी की जा रही है। उद्यान में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक करियाघेड़ी निवासी है। आत्महत्या की सूचना के बाद करियाघेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। घटना की खबर मिलते ही परिजनों सहित अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। कोर्ट के आदेश पर सीहोर में जिला प्रशासन ने लोगों को सी टू नाले पर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। ये समय शुक्रवार को 1 बजे खत्म हो गया, जहाँ नाले पर चिन्हित 328 मकानों को JCP का पर्चा चलना शुरू हो गया। हैरानी वाली बात यह है कि नाले पर लोगों ने इस तरह पक्के अतिक्रमण बना रखे थे कि 2 पोकलैंड मशीन के पंजे टूट गए। बाद में दूसरी और पोकलेन व JCP बुलाई गई, जिन मकानों पर निशान लगाए गए थे उन मकानों पर दिन भर JCP और पोकलेन मशीन का पंजा चल रहा था। शहर के एक व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका को लेकर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की थी। रायसेन जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक कलेक्टर भावना वारिंगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के विकास और समाज के उत्थान में भूतपूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक अपने ज्ञान का उपयोग कर समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक बदलाव में जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस भूमिका को भूतपूर्व सैनिक बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। कलेक्टर ने पूर्व सैनिकों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में चल रहे स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील भी की है। कुछ समय पूर्व सीमित संसाधनों के बावजूद राजगढ़ जिला अस्पताल बेहतर कहलाया जाता। अस्पताल स्टाफ की लापरवाही और अधिकारियों की मॉनिटरिंग के अभाव में अक्सर यहां आने वाले मरीज उपचार के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों द्वारा अस्पताल परिसर में किए जाने वाला हंगामा भी आम बात हो गई है। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इसमें अस्पताल स्टाफ सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों की भागीदारी तय करने के लिए हर माह एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। CHMO अनुसुईया गवली की पहल पर होने वाली इस बैठक का आयोजन संभवतः हर माह किया जाएगा, जिसमें जहां CHMO एवं जनप्रतिनिधि डॉक्टरों सहित जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवकों को उनके कर्तव्य का बोध कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर राजगढ़ साय भाग शाखा का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। उत्सव में वर्ष भर शाखा में चलने वाले कार्यक्रम का प्रदर्शन स्वयंसेवकों द्वारा किया गया, जिसमें सूर्य नमस्कार, आसन, नियुक्त क्षमता, व्यायाम, योग, खेल, गीत आदि के प्रदर्शन किए गए। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए प्रचारक डॉक्टर रामपाल सिंह जाटव ने कहा कि संघ को समझना है तो संघ की शाखा में आना होगा। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, साथ ही हिंदू समाज के सभी भेदभाव मिटाकर एक साथ होकर एक राष्ट्र की सेवा करनी होगी, क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतें राष्ट्र को तोड़ने के लिए राक्षसी कार्य कर रही है। हम संगठित होकर उनका सामना करेंगे। इस अवसर पर नगर कार्यवाह खंड संचालक तथा समाज के बंधु उपस्थित रहे।
फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।